दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजीमेल के एक नए नोटिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे कई तरीके के वीडियोज आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपका सीएससी आईडी जो है बंद कर दिया जाएगा। तो आखिर ऐसा क्यों है, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों मेरा नाम अनुपम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड। सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ डिजीमेल में। डिजीमेल में देख सकते हैं 347 यानी कि आज का एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, सभी VLEs कृपया ध्यान दें, सरकार के डिजिटल इंडिया कार्य के अनुसार सभी VLE को वित्तीय सेवाएं मुहैया कराना चाहिए और CSCSPV द्वारा नागरिक को उपलब्ध कराई जाती हैं। इसलिए सभी VLE के लिए अपने संबंधित पंचायत क्षेत्र के आधारित वित्त सेवाओं यानी APS सेवाओं की सुविधा के लिए डिजी पे पर आवेदन का पंजीकरण करना अनिवार्य है। VLE जो डिजी पे में पंजीकृत नहीं होंगे उनका CSC ID निष्क्रिय हो जाएगा। साथ ही साथ बताया गया डिजी पे से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए कृपया हमें लेन देन का विवरण और संपर्क विवरण के साथ digipay@csc.gov.in पर मेल करें। डिजी पे मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए URL दिया गया है और इसको PC में भी डाउनलोड कर सकते हैं। किस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है डिजी मेल, जैसे यहाँ पे आप लिखते हैं डिजी पे के डाल के सर्च करते हैं, यहाँ पे digipay.csc.cloud.in ये वेबसाइट है ऑफिशियल, यहाँ से जो है आप इस ऐप को इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं और प्ले स्टोर में जाके वहाँ पे यदि आप सर्च करेंगे तो वहाँ से इंस्टॉल कर पाएंगे। दोनों लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आसानी से इंस्टॉल कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें मेल कर सकते हैं techhindi476@gmail.com पे, और कई सारे वीडियोज आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे इंस्टॉलेशन से लेके, तो उनको देखकर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ जाके वहाँ पे खुद को रजिस्टर कर लीजिए। यदि काम करना चाहते हैं तो बता देता हूँ, यहाँ पे 2000 रुपये आपका फंस जाता है, यानी कि 2000 से ऊपर का ही जो यहाँ पे आपका पे आउट होता है वही निकलता है, उससे पहले नहीं निकलेगा। तो इसको सोच समझ के थोड़ा यूज कीजिएगा। तो यहाँ पे सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने को बोला गया है तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, वर्क भले ही ना कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।